हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज TGT का पेपर था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आए हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिंपल थोड़ा सा मॉडरेट भी था, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत अच्छे थे, कुछ डेप्थ में थे, और लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो हैं नॉर्मल थे, जो लगभग लोगों ने कर लिया होगा। 20% क्वेश्चन, 20-25% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको करने में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी होगी। 2-4, 6-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी डेप्थ से हैं, तो इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरिट काफ़ी अच्छी जाएगी। तो चलो, हम लोगों का ये जो सेशन है, इसमें हम आपको बहुत बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। ये जो हमारा आंसर आपको मिलेगा, इसमें से आयोग का जो आंसर आएगा, 2-1 क्वेश्चन का अंतर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिएगा, जो आपके अन्य आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, जिससे उनको भी ये मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्मक फसल तथा उसके कीड़े मकोड़े से सही मिलान नहीं है। तो इसमें पहला है गन्ना, गुरदासपुर बेधक, मूंगफली, सफ़ेद गिरार, रेपसीड, एफिड, और लास्ट में लिखा सूरजमुखी पेंटेड बग। तो ये पेंटेड बग जो होता है सूरजमुखी का नहीं है, ए है मस्टर्ड का। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसका पहले का डी ऑप्शन सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा फल एक बीज पत्री नहीं है। तो देखिए, करा एक बीज पत्री नहीं है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले देख लिया करिए कि किसमें नहीं है और है का बात है। ये इस तरह से 30% क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। तो नहीं है में नारियल, खजूर और अनानास है, और इसमें शरीफा जो है नहीं है, इसलिए दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल बिंद है। देखिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आयोग को वेट करना पड़ेगा, आयोग इसका आंसर क्या देता है। सेब की अगर हम मूल बिंद की बात करें, तो इसमें M9 जो है वो ड्वार्फ है, और M27 जो है वेरी ड्वार्फ रूट स्टॉक है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 25 सही होगा, लेकिन इसको हम लोग इंतजार करते हैं आयोग के में, आयोग का आंसर किया आने का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आधारीय बीज उत्पादन हेतु बैगन की पृथक्करण दूरी, तो ये 200 मीटर होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को मृदा संरचना कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, भारत में विकसित पहली बौनी चावल की प्रजाति कौन सी है। तो इसको आप याद रखेंगे, भारत में जो विकसित पहली बौनी प्रजाति है वो है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जया। ठीक है, IR-8 जो है वर्ल्ड में था, और जो जया है, जया इंडिया का है, भारत का है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने 15 दिया है, 15 बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर है, नार्व के अनुसार पूछा जा रहा है, तो नार्व के अनुसार इसका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि नार्व के अनुसार जो ICR है, ICR का एक संस्था है नार्व, नार्व के अनुसार जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोनों का, वो है 127। इसमें 126 और 129 दिया है, 127 नहीं है, तो उस हिसाब से 127 ऑप्शन में न होने के कारण डी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे अनुसार। और अगर आप लोग इसका रेफरेंस जानना चाहते हैं, तो RK शर्मा जी की बुक है, ठीक है, गाइड फॉर एग्रीकल्चर कंपटीशन, उन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए सबसे सुटेबल है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस गढ़ में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, इसे सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो हमारा होमोप्टेरा होता है, होमोप्टेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी कीट होते हैं, इनमें अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, अपूर्ण के अंतर हम किसे कहेंगे, आप इसको याद रखेंगे। जब किसी भी कीट के कायंत्रण में उसके लार्वल अवस्था नहीं होती या चारों अवस्थाओं में से कोई एक अब्सेंस होता है, तो उसको हम लोग अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 10 का बी ऑप्शन होमोप्टेरा सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत किस सन में आया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत आया था वो 1974 में 1974 में आया था।
अगला है दूर संचार की विधि है, सॉरी समूह संचार की विधि है, मेथड ऑफ मॉस कम्युनिकेशन, समूह संचार की विधि। तो इसमें प्रदर्शन है, प्रक्षेप भ्रमण है, समूह चर्चा है। इसमें समाचार पत्र, समाचार पत्र की अगर हम लोग देखें तो ए है मेथड ऑफ मॉस कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एंथ्रेक्स जीवाणु, पोका विषाणु, लिवर फ्लू, अंतः परजीवी, दुग्ध ज्वार, विटामिन ए की कमी से। तो देखिए ए बी और सी तीनों सही हैं, बिल्कुल सुमेलित हैं। इसमें डी ऑप्शन है दुग्ध ज्वर जो है वो डी ऑप्शन गलत है, विटामिन ए की कमी से नहीं होता दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है भैया, इसको आप याद रखेंगे। अगला है ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है गरीबी स्वरोजगार से भी है, रोजगार सृजन से भी है, गरीबी उन्मूलन से भी है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है करण स्विस, गाय की प्रजाति किसके किसके बीच का क्रॉस है, तो इसको आप याद रखेंगे साहीवाल गुड़े ब्राउन स्विस का है। साहीवाल जो है गाय है, भारतीय गाय है, और ब्राउन स्विस विदेशी बैल है। ठीक है, अगला है गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर 5 से 6 किग्रा होती है। चुकंदर में काला या भूरा हर्ट व्याधि किस तत्व की कमी से होती है, तो इसका बुरान हो जाएगा। वार्टलेट एक प्रमुख प्रजाति है, ए है वार्टलेट जो है नाशपाती की प्रमुख प्रजाति है, इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है पोटेशियम क्लोराइड में होता है, पोटेशियम क्लोराइड जिसको हम लोग केसीएल कहते हैं या म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, इसमें जो है लगभग 58 से 60% पोटास पाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू परिष्करण के जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है भू परिष्करण, तो ये फादर ऑफ टिलेज जैंथ्रो टूल है, बहुत फेमस क्वेश्चन था। विंटरिंग गुलाब से संबंधित है, मृदा कणों में इसमें लिखा है इंग्लिश हम लिख देते हैं एलिमेंट इसेंशियल फॉर डीफ्लोकुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है डीफ्लोकुलेशन के लिए और कैल्शियम जो है फ्लोकुलेशन के लिए उत्तरदायी होता है मृदा में। आम में कोयले रोग जो है CO2+H2 तथा एसिटिलीन गैस से होती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नहरों के आसपास की मृदा जो है वो क्षारीय हो जाती हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वह स्थान जहां से गांधी जी ने अपने सेवाग्राम परियोजना शुरू की थी, इसका वर्धा है, सी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा एक जल घुलनशील है, इसको बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है, इसको आप याद रखेंगे। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट और डाई कैल्शियम फॉस्फेट एसिड सोल्युबल होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होते हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी होते हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग ऐच्छिक परजीवी जीव कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र मतलब लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो भैया उस समय ICR अपना 50वां वर्ष गोल्डन जुबली मना रहा था, लैब टू लैंड प्रोग्राम उसी समय शुरू किया था, ICR ने शुरू किया था, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ शुरू किया, भैया ये राजस्थान का नागौर जिला था, वहाँ से शुरू किया गया था। अगला है निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणुजन्य रोग हैं, तो भैया FMD भी होता है, स्वाइन फीवर भी होता है और रिंडरपेस्ट, ये सभी हैं, तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन दोनों का घातक कीट है, तो इसका वल्ब भेदक हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भूक्षरण का अवलोकन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण के द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मियर और स्मिथ ने 1965 में दिया था, इसको आप याद रखेंगे, 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर जिसको हम लोग गंध कहते हैं को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है, तो ये एक ही है दशहरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन है। अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कॉटिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, भैया उसको हम लोग हाइपोजियल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अधोभूमिक अंकुरण। अगला है पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है, तो इसका है 0.33 से 0.15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, इसका आंसर बेर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा जो ठीक ठाक है। खरपतवार नाशी पैराकार्ट क्या है, भैया देखो पैराकार्ट, डाइकार्ट, ग्लाइफोसेट ये सब क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको हम लोग FAO कहते हैं, एग्रीकल्चर फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गाय का गर्भकाल होता है, गाय का गर्भकाल 283 से 285 दिन आप याद रखेंगे, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और भैंस का 310 दिन के आसपास होता है। उमरान बेर की प्रजाति है और बेर की लेट मैच्योरिंग वैरायटी है उमरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न फल समूहों में से
किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है। इंग्लिश देख लेते हैं इसका, हिंदी थोड़ा सा, सल्फर रिमूवल बाय द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा से सबसे ज़्यादा सल्फर किस फसल से रिमूव की जाती है, भाई जिसकी ज़्यादा आवश्यकता होगी वही ज़्यादा रिमूव करेगा। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता ऑयल सीड की होती है, पल्स की होती है, उसके बाद सीरियल्स की होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बकरी जैसे प्रतीत होने वाली भारत की सबसे ऊँची भेड़ की नस्ल, तो इसमें जो है भैया मगरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है। अगला है, आरेस्टेटेड एंटनी पाई जाती है, तो ये घरेलू मक्खी में पाई जाती है, ठीक है। अगला है, डैश दिया है फिर लिखा है ने सर्वोदय योजना शुरू की, तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू की थी, ठीक है भैया। फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग जो है पोटेशियम का निर्धारण करने के लिए करते हैं, तो 45 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी ये DHO में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, तो साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी आप लोग जानते हैं, ये सब क्या है दुधारू नस्ल है। अमृत महल ये है ड्रॉट ब्रीड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भारवाही नस्ल। तो डी ऑप्शन इसका गलत है, मतलब वही सही है क्योंकि वो नहीं है। लाल मृदाएं मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती हैं, तमिलनाडु का जितना क्षेत्र है उसका 66% पर केवल लाल मृदाएं पाई जाती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, तो देखिए भैया सभी लोग कहते हैं प्रोटीन क्या होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए अस्थायी विधि है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो कैनिंग सही होगा, कैनिंग के द्वारा हम अस्थाई और अस्थाई दोनों तरह से करते हैं, लेकिन इसमें पाश्चराइजेशन में अस्थाई होता है, ब्लांचिंग में अस्थाई होता है, नमी को बाहर निकालना भी अस्थाई होता है, ब्लांचिंग भी अस्थाई होता है, इसलिए इसमें कैनिंग सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला है पूसा चेतकी, देखिए दो वैरायटी हैं पूसा चेतकी और पूसा केतकी, तो पूसा केतकी जो है कॉलीफ्लावर की है, पूसा चेतकी जो है मूली की है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। डोंगा तथा डेंगा जो है खजूर से संबंधित है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है 1974 में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से था। 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है, तो भैया ए मैकेनिकल के अंतर्गत आता है, मतलब इसका 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक नियंत्रण, मतलब मैकेनिकल कंट्रोल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय, देखिए प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो भारतीय मौसम विज्ञान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, पुणे में नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रेजेंट में वही है, अब इसका रीजनल है इसमें पुणे में, ठीक है। प्रजनक बीज की संतान, देखिए आपको मालूम है न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस से ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर से फाउंडेशन सीड बनता है, फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड बनता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे प्रजनक बीज है जो फाउंडेशन सीड है, तो फाउंडेशन सीड से प्रमाणित बीज बनता है, तो 56 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है उनसे कौन सा राग फॉस्फेट का सूत्र है, तो C3CA3PO4 का होल ट्वाइस CaF2, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी का स्टेटमेंट था ये, ठीक है, गरीबी हटाओ। अगला है पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, 17, बहुत घिसा पिता क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा। इसमें लिखा है का प्रयोग भूमि के सुधार में करते हैं, भैया जिप्सम का करते हैं, और उसका यहाँ पे सूत्र लिखा हो गया है CSO4 × 2H2O, मतलब क्षारीय मृदा के सुधार के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, इसको आप याद रखेंगे। क्षारीय मृदा का मतलब सोडिक सॉयल के रिक्लेमेशन के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है उटका के प्रभावी नियंत्रण युद्ध अरहर की सह फसली खेती, अरे भैया ज्वार के साथ करते हैं, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। रिफ्लेक्टोमीटर का प्रयोग के नियंत्रण के लिए के निर्धारण के लिए करते हैं, रिफ्लेक्टोमीटर हम का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, TSS के लिए करते हैं, कुल घुलनशील ठोस को देखने के लिए। दुग्ध स्राव को कहा जाता है लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है भैया, ठीक है। अगला है गाय की राठी नस्ल राजस्थान से संबंधित रखती है, ठीक है, उत्पत्ति स्थान राजस्थान है। इसका अगला क्वेश्चन है वह रेखा जो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ती है, तो इसको समदाब रेखाएं कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार, ठीक है। अगला है वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करता है, तो भैया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, जिसको हम लोग कैन खाते हैं या किसान खाद कहते हैं या इसी को सोना खाद कहते हैं, 25% नाइट्रोजन पाई जाती है और ये न्यूट्रल नेचर की होती है। पनीर में 70% नमी पाई जाएगी, पानी की मात्रा है पनीर में 70% लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका जो है 67 का 60 नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्पाइन आप लोग जानते हैं बकरी की विदेशी नस्ल है, ठीक है। अगला है यूरिया एक डायमाइड है, किसका, कार्बोनिक अम्ल का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
तने में चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किस कीट का प्रभावी ढंग से नियंत्रण करते हैं? तो आम में किया जाता है, आम मिली बग के लिए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है? तो इसको आप याद रखेंगे, फूल गोभी की है पूसा स्नोबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट फसल वैरायटी है। नतजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है, पानी में खेती करने के तरीकों को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन 74 है, निम्न में से कौन सा डिब्बा बंद फल उत्पादक में विवरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर बी है, कापर लवण, ठीक। बीज अधिनियम 1966 में पारित हुआ था, ठीक है। अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? अधोभूमिक अंकुरण अधिकतर एक बीजपत्री में, अधिकतर क्या सभी एक बीजपत्री में अधोभूमिक अंकुरण होता है, और कुछ द्विबीजपत्री में होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, गाय में दुग्धजन्य रोग किसकी कमी से होता है? अभी हमने बताया कैल्शियम की कमी से होता है, तो 77 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉपियरी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रयुक्त होने वाला पौधा कौन सा है? क्लेरोडेंड्रॉन एनरमी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, क्लेरोडेंड्रॉन एनरमी जो है जिसका सबसे अच्छा टॉपियरी बनता है। इसमें बी ऑप्शन में लिखा है इंगाइडियस प्रजाति, लेकिन इसका भी बनता है, लेकिन उतना अच्छा इसका नहीं होता, तो इन दोनों में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ने की घसीय प्ररोह बीमारी जिसको हम लोग ग्रासी सूट कहते हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा से होता है, तो 79 का सी ऑप्शन सही है। पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं तो हम लोग पडलिंग कहते हैं भैया, जिसको हम लोग गीली जुताई कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, फूल गोभी की व्हिपटेल जो है मॉलिब्डेनम की कमी से होती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बीज प्लाट आलू से संबंधित है, इसको भी सभी को पता होगा, बीज प्लाट टेक्निक जो है किससे संबंधित है? आलू से, पोटैटो टू पोटैटो सीड बीज प्लाट, ठीक है। अगला है, टोडा भैंस की प्रजाति है ना। अगला है, निम्न से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? तो बायोनीम है भैया, बायोलेप भी है, डाइपेल भी है, और इसके बाद कार्बरिल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी ऑप्शन हो जाएगा। भैंस के दूध में वसा रहित ठोस कितना होता है? तो देखिए 9% के आसपास होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, उसके नियर अबाउट 9.2% है, वही सही हो जाएगा। अगला है, जमुना पारी का मूल स्थान भैया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एटा इटावा शायद होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन लौकी की बहुत फेमस प्रजाति है। वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है मृदा क्षरण के अध्ययन में और वर्षा अध्ययन में, तो इसका ए और सी दोनों हो जाएगा। 88 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है? साउथ इंडिया में आम्रपाली भैया, ये साउथ इंडिया में लगातार फल देती है, वैसे जो अगर लगातार फल देने वाली बात करें तो निरंजन है, ठीक है। अगला है, अलसी को सामान्यतया जाना जाता है फ्लैक्स के रूप में, ठीक है, अलसी का जो फाइबर होता है ना उसको फ्लैक्स फाइबर भी कहते हैं। बर्दारी आप लोग जानते होंगे, बर्दारी जो है मुगल उद्यान से संबंधित है, मुगल उद्यान की एक बहुत विशेषता है बर्दारी, ठीक। पौधे के प्राकृतिक वास कारक जो पौधे के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं, तो इसमें पहला है जलवायु, दूसरा है मृदा, तीसरा स्थलाकृत एवं जैविक कारक, चौथा है उपर्युक्त सभी, तो भैया सभी होते हैं, इसका डी ऑप्शन कर लेना। क्रिकेट बॉल किसका है? सपोटा का है, बहुत फेमस आप वैरायटी है क्रिकेट बॉल। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्स चक्र द्वारा एक अणु पारुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? तो भैया इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है, ज़्यादातर लोगों ने गलत दिया है, तो इसका आप याद रखेंगे 12 ATP होता है, ठीक है, 12 ATP होता है। अगर आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और फिर हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे कैसे होता है, 12 ATP याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शर्करा है? तो भैया दुग्ध शर्करा बहुत फेमस क्वेश्चन है, लैक्टोज होता है, ठीक है। अगला है, जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है, और दूसरा अगला है, टपक सिंचाई सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में जानते होंगे राजस्थान महाराष्ट्र, यहाँ पर देखिए माइक्रो इरीगेशन यूज होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए टपक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तलीय पौधों में तेल की मात्रा कितनी के लिए प्रयोग किया जाता है? तेल देखिए जो हमारे तेल वाली फसलें होती हैं उनके लिए सल्फर बहुत आवश्यक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति, देखिए खरीफ फसल के लिए दो हैं, एग्री फाउंड डार्क रेड है और निफात 53 है भैया, ठीक है, ये दोनों वैरायटी आप रखेंगे खरीफ फसल के लिए, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 100 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, अगला है, सोयाबीन के बीज में होता है तो 20% तेल होता है और 42% प्रोटीन होता है, तो 101 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रांतिक मृदा परीक्षण स्थल जिसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्रिटिकल सॉयल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाय कैट एंड नेल्सन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला है, बैच या होल्डिंग पॉस्टराइजेशन विधि में समय तथा तापक्रम रखते हैं, तो समय 30 मिनट और तापक्रम 145 डिग्री फारेनहाइट, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 103 का,
ठीक है, NDRI स्थित है करनाल हरियाणा में। आप लोगों को मालूम होगा भैया, बहुत घिसा पिसा क्वेश्चन है। अगला है खीस, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, खनिज का सभी का स्रोत है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बकरी की वयस्क मादा को क्या कहते हैं, तो डो कहते हैं भैया, और भेड़ को यू कहते हैं, ठीक है, और जो हमारा पिग होता है उसको शो कहते हैं, शाह, SOW। निम्न में से मार्मलेड जो है संतरा से बनाया जाता है, अगर यहाँ पे पूछा जाता जेली किसका बनाया जाता है, तो भैया अमरूद सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ मार्मलेड पूछा है तो इसलिए संतरा सही हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व तो हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है, तो इसका है एल्ड्रिन नहीं है, निकोटीन, पायरेथ्रिन, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है ट्राईसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे ग्रामीण युवाओं को दिया जाता है। ट्राईसेम 1977 में इसकी स्थापना हुई थी ट्राईसेम की, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्र के पिता केसी मेहता जी हैं। मुक्ताकार एंटनी पाई जाती है दीमक में, जिसको हम लोग मोनेली फार्म कहते हैं, ठीक है भैया। अगला है भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी, 15 मार्च 1950 में की थी। बहुत लोगों ने देखिए इसमें कुछ टिक लगा हुआ है, तो उस पर आप लोग ना जाइएगा, जो आंसर हम बता रहे हैं वही है, कुछ टिक जो है थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, तो उसको आप लोग उसको ना देखिएगा, जिसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ वही सही होगा। तो अब 13 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 1950, ठीक है, 113 का, ठीक। अगला क्वेश्चन है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए, भैया 20 बार आप लोगों को बताया भी गया, सूरजमुखी का तेल जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और हार्ट पेशेंट के लिए भी होता है। अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जो है फफूदनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया था, फ्यूजोरियम बिल्ड के लिए किया जाता है। कृष्णा और कंचन आंवले की प्रजाति है। दूध का हिमांक इसमें जो है -0.55 डिग्री सेल्सियस होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 117 का। अगला है स्पॉन्जिंग प्रकार का माउथ पार्ट पाया जाता है, तो ये घरेलू मक्खी पाया जाता है। देखो घरेलू मक्खी क्या करती हैं, बैठ के शक करती रहती है ना, तो वो स्पॉन्जिंग टाइप उसमें माउथ पार्ट पाया जाता है। अगला है पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी कौन सा होता है, केशिका जल होता है भैया, इसको भी आप याद रखेंगे। गेहूँ में प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है, तो फर्स्ट क्रांतिक अवस्था कौन सी आती है, बुआई के 21 से 25 दिन के बाद, CRI स्टेज पर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी फसल साधारण हरित वायु रोग के कुप्रभावित होती है, तो इसका आंसर लिखेंगे, हरित वायु रोग आप जानते हैं जिसको हम लोग ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं, बाजरा से संबंधित है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरंडी के फल को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। बादल जो लगातार वर्षा कराते हैं, अरे भैया निम्बो स्टेटस, ठीक है, निम्बो स्टेटस है। सिरस जो है सबसे ऊपर वाले बादल को सिरस कहते हैं, और निम्बो स्टेटस क्या करता है, पानी बरसाता है। आलू की अखेती झुलसा रोग, सभी लोग इसका बता रहे हैं उपरयुक्त सभी, लेकिन आलू की जो अगेती झुलसा रोग है वो बीज जनित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है छिलका रहित जौ की प्रजाति, छिलका रहित जौ की दो ही प्रजाति फेमस है भैया, ठीक है, उसमें पहला है डोलमा और दूसरा है K18, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से 125 क्वेश्चन पूरा हुआ, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छा सेशन अच्छा लगेगा, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे अधिक से अधिक, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं, और मेरे इस आंसर में जो हमने आपको आंसर दिया है बिल्कुल ऑथेंटिक है। एक दो क्वेश्चन में बाय द वे गलती हो सकती है, अगर हो नहीं है उसके अलावा नहीं हो सकती। आयोग का हमारा आंसर के आप लोग देख लीजिएगा, लगभग मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोगों का जितने लोग आज टेस्ट दिए हैं सबका सिलेक्शन हो और सबका भविष्य जो है उज्ज्वल हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।